ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए। नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का ऐतिहासिक फैसला, प्रदेश में होंगे 5 उप मुख्यमंत्री, ऐसा करने वाला पहला राज्य। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, कहा आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की उपचार राशि में बढ़ोतरी, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वालों की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 8वीं बोर्ड का परिणाम घोषित, रिजल्ट रहा 100%, 11.5 लाख बच्चों ने दी थी परीक्षा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला लिया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और कोपु समुदाय से होंगे। पार्टी की बैठक में रेड्डी ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। देश में ऐसा पहली बार होगा कि किसी कैबिनेट में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। इन 5 लोगों में से 2 पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए भी काम कर चुके हैं, जो पिछड़ी जाति और कोपु समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में हुए एक सत्र में नवनिर्वाचित विधायक भी शामिल हुए थे। इसमें रेड्डी ने कहा कि 25 लोगों की कैबिनेट शनिवार को शपथ लेगी। उन्होंने कहा कि वह 2.5 साल बाद कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उनका कहना है कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं और राज्य की योजनाओं का समर्थन करने की शक्ति नहीं है, इस वजह से मेरे लिए बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। मोदी के पिछले कार्यकाल में भी ममता ऐसे बैठकों से दूर रहती थी, इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गई और लगातार भाजपा और मोदी सरकार की आलोचना कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नए संगठन के निर्माण पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पहले भी नीति आयोग की बैठकों में शामिल नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 5वीं बैठक की 15 जून को अध्यक्षता करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक जंग ने डाक विभाग के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से साउथ कोलकाता में स्थित कालीघाट पोस्ट ऑफिस में हजारों पोस्ट कार्डों का अंबार लग गया है। इन पोस्ट कार्ड्स पर जय श्री राम लिखा है और इसे ममता बनर्जी को भेजा गया है। ममता बनर्जी का घर इसी पोस्ट ऑफिस के कार्य क्षेत्र में आता है। डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए पोस्ट कार्ड बेहद जरूरी होता है, इसलिए यह विभाग की प्राथमिकता है। पोस्ट ऑफिस के सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर सीएम के लिए 30 से 40 पोस्ट कार्ड और रजिस्टर लेटर आते हैं, लेकिन अचानक से यह कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट कार्ड अब उनके कार्यालय द्वारा प्रतिदिन संभाले जा रहे कुल डाक का 10% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह के अंत में मालदीव और श्रीलंका का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री रविवार शाम कोलंबो से तिरुपति के पास रेनीगुंटा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उसी दिन तुरंत नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री का यह अस्थायी कार्यक्रम है। मोदी की यात्रा के लिए हवाई अड्डे, तीर्थस्थल और तिरुमाला पहाड़ी जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह तिरुपति मंदिर की पहली यात्रा है। पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ मिला है। इसी के साथ कैबिनेट की समितियों में उनका रुतबा एक बार फिर कायम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में उन्हें पिछले बार के मुकाबले एक पायदान नीचे का मंत्रालय दिया गया। इसके बाद कैबिनेट की 8 महत्वपूर्ण समितियों में से केवल 2 में उनको शामिल किया गया। चारों ओर यह चर्चा होने लगी कि राजनाथ का कद कम किया गया है, यही वजह है कि उन्हें केवल 2 समितियों में रखा गया है। गुरुवार सुबह तक केवल 2 समितियों में शामिल किए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शाम तक 6 समितियों में जोड़ा जा चुका था। माना जा रहा है कि यह संघ के प्रभाव का असर है। भाजपा के एक सूत्र के मुताबिक अमित शाह के केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनने से सरकार पर पूरी तरह नरेंद्र मोदी और शाह का दबदबा कायम हो चुका है। वे अभी पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं।
लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ी जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने अयोध्या शोध संस्थान में 7 फीट ऊंची कोदंड राम की प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब है कि 7 फीट की इस प्रतिमा को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसे संस्थान के शिल्प संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्मदिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने जन्मोत्सव कार्यक्रम समारोह का भी उद्घाटन किया। कर्नाटक के कावेरी कर्नाटक स्टेट आर्ट्स एंड क्राफ्ट एम्पोरियम से 35 लाख में खरीदी गई भगवान राम की यह प्रतिमा देखने में काफी आकर्षक है। इसे काष्ठ कला की एक दुर्लभ कृति माना जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकियों ने सोपोर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए जवानों की पहचान अब्दुल अजीज और अली अहमद के रूप में हुई है। दोनों जवानों को सोपोर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं ग्रेनेड से हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलवामा में 4 आतंकियों की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में सक्रिय अन्य आतंकी बुरी तरह से बौखला गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भूटान पहुंचे। मंत्री का पद संभालने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा है, जिसके दौरान वह अपने भूटानी समकक्ष के साथ वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर 30 मई को पदभार संभालने वाले जयशंकर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। उनके आगमन पर उनके भूटानी समकक्ष तांडी दोरजी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। जयशंकर ने ट्वीट किया, भूटान में वापस आना सुखद है, गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा दर्शाता है कि करीबी मित्र एवं पड़ोसी भूटान के साथ संबंधों को भारत कितना महत्व देता है। मालेगांव हमले की मुख्य आरोपी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश हुई हैं। सांसद बनने के बाद आज पहली बार प्रज्ञा ठाकुर एनआईए कोर्ट के सामने पेश हुई हैं। इससे पहले वो अक्टूबर 2018 में आरोप तय होने के दौरान अदालत में हाजिर हुई थी। हालांकि उन्हें गुरुवार को ही कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन बीमार होने के कारण वो नहीं जा पाई थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी उन्हें मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश मिला था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कार्यवाही में मौजूद होने में खुद को असमर्थ बताया था। इसके बाद 3 जून को मुंबई की विशेष अदालत ने प्रज्ञा समेत मालेगांव धमाके के सभी आरोपियों को हफ्ते में कम से कम एक बार अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब से सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने जनता के हितों के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलाज में कोई कमी नहीं आए, इसके लिए उपचार की राशि में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को अच्छा और सुगम इलाज मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी है। गहलोत ने सरकारी और निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने वालों की राशि में बढ़ोतरी की है। अब सरकारी अस्पताल में उपचार कराने की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं निजी अस्पताल में उपचार करवाने की राशि भी 60,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दी गई है। राजधानी जयपुर में हाइपेटाइटिस कंट्रोल को लेकर एक निजी होटल में कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस के बारे में आमजन में व्यापक जागरूकता लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शीघ्र ही प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार लाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि पंजाब के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। एनएचआर के निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम आज से प्रदेश में प्रारंभ किया जा रहा है। वह समुचित संख्या में चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य आंकड़े निरंतर सुधार की ओर अग्रसर हैं। स्वास्थ्यगत प्रसव बढ़कर अब 88% हो चुका है। राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित रूप से रोल मॉडल है, और आने वाले टाइम में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे हम राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे हमने निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया है, निःशुल्क जांच का दायरा बढ़ाया है, और आज ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वायरल हेपेटाइटिस का कंट्रोल का कार्यक्रम जो राजस्थान ने हाथ में लिया है,
हमने इसको भी पूरी तैयारी के साथ हाथ में लिया है। हमने 3 सेंटर्स जो आदर्श केंद्र हैं राजस्थान में वो स्थापित किए हैं इसके लिए, और सारे जिला चिकित्सालयों को इसके लिए तैयार किया है। वहाँ दवाई की व्यवस्था हो, जांच की व्यवस्था हो, और इसके लिए हमारे डॉक्टर्स को हमने राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। वो ट्रेंड होके आए हैं जो फर्दर ट्रेनिंग देंगे राजस्थान के अंदर, और इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स हैं उन पर भी हमारी पूरी तैयारी है। तो प्रोग्राम जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम राजस्थान में सफलतापूर्वक लॉन्च हो, और ये जो बीमारी है इसमें भी बी और सी कैटेगरी की जो चुनौती हमारे सामने है, हम लोगों की ज़िंदगी, इससे इफेक्टेड लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बचाएं, उस चुनौती का हम कैसे मुकाबला करें, उसकी पूरी तैयारी राजस्थान की सरकार ने की है। मोती डूंगरी गणेश जी सहित शहर के गणेश मंदिरों में पुष्य नक्षत्र पर पंचामृत अभिषेक किया गया। चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में मंदिर महंत कैलाश चंद शर्मा के सानिध्य में दूध, दही, घी, शहद, बूरा, गुलाब जल और अनेक द्रव्यों से महास्नान करा अभिषेक किया गया। इसके बाद गणपति को नवीन पोशाक धारण कराई। मंदिरों में भक्तों ने बड़ी संख्या में बारी बारी से दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण त्रिपुर सुंदरी यज्ञ का आयोजन हुआ। मंदिर के प्रवक्ता पंडित अमित शर्मा ने बताया कि भक्तों को रक्षा सूत्र बांधे गए और हल्दी की गांठ वितरित की गई। आज गणेश जी महाराज के पुख्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में गणेश जी महाराज के सुबह 21 किलो दूध, गंगाजल, केवड़ा, शहद, बूरा, घी व पंचामृत से गणेश जी महाराज के स्नान कराया गया। उसके बाद गणेश जी महाराज के चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक धारण कराई गई एवं उसके बाद में गणेश जी महाराज के सभी श्रद्धालुओं के रक्षा सूत्र व हल्दी की गांठ वितरित करी गई है। इसके बाद में अभी करीब 10 बजे से त्रिपुर सुंदरी का यज्ञ का आयोजन रखा गया है गणेश जी महाराज के, जिसमें सभी भक्तों के काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। राजस्थान 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम 100% रहा है। परीक्षा के लिए 12,54,680 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को ए, बी, सी, डी ग्रेड दी गई है। परीक्षा परिणाम अजमेर में राजस्थान बोर्ड में जारी किया गया। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 14 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर परीक्षा परिणाम जारी करने की जानकारी दे दी थी। मार्च अप्रैल माह में हुई परीक्षाओं के बाद गत माह से परीक्षा परिणाम आने शुरू हो गए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने चारों अहम परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार। फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल। तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।